कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो फिल्म बनाया था। समस्या यह थी कि हमारे गांव निश्चितपुर में रहने वाले अजीत टोपनो जी को मनरेगा योजना से एक सिंचाई कूप मिला था, मगर उसमें उन्हें सही समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था एवं सामग्री का भी पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा था। 2010-11 में शुरू हुआ था, अभी तक 2012 हो गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। और स्कीम है 2,05,900 का है, तो पत्थर लग गया है, मेटल लग गया है, अपना पॉकेट से दिए हैं। अगली बार लोग का पैसा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अभी पैसा नहीं मिल रहा है, कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं हम भी। समस्या का कारण अधिकारियों की लापरवाही थी। फिर मैंने उसे वीडियो फिल्म बनाकर अधिकारियों को दिखाया, इसके बाद इस समस्या पर बदलाव लाया। अजीत टोपनो के सिंचाई कूप की समस्या के बारे में गांव के अमित टोपनो जी के द्वारा बतलाया गया था। उनका एक लिखित आवेदन भी आया था और उनके द्वारा एक वीडियो दिखलाया गया था। समस्या की जानकारी होने के बाद में संबंधित योजना का फाइल मंगाया गया। इसके साथ ही योजना स्थल पर जा कर के वहाँ जाँच किया गया और इंजीनियर के द्वारा भी वहाँ की माफ़ी कराई गई। और जब सारा चीज़ का जांच करके मिलान किया गया, तो यही इसके बाद में जो भी उसमें देखा गया कि कुछ तकनीकी समस्याएं भी थी, कुछ नया सिस्टम चालू हुआ था जिसकी वजह से फिर तकनीकी समस्या को दूर करते हुए अभी भुगतान करा दिया गया है। मैं मेरे ब्लॉग की वीडियो रंजीता टोपो और बीपीओ प्रेम को जो को मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन लोग का सहायता से ही मेरा पैसा सही सलामत मिल गया है, इसलिए इन सबको मेरे उससे बहुत बहुत धन्यवाद। सारे अधिकारी खराब नहीं होते हैं। अधिकारियों के पास समस्या पहुंचने से वे उसका निश्चय ही समाधान करते हैं। मेरे कैमरे ने हमारी समस्या को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में मेरी सहायता की। सचमुच में वीडियो कैमरा बदलाव लाता है। मैं अमित टोपनो, खूंटी जिला से, इंडिया अनहट के लिए।